Hello everyone, welcome back. So this is Bhavna Puri and today we will talk about chapter number 11 and 12, that is biotechnology. So कौन से questions हैं जो chapter number 11 and 12 से पूछे जाएंगे? सबसे पहला question हमारे पास है the DNA molecule to which the gene of interest is integrated for cloning. जब भी हम cloning करते हैं यानी कि multiple copies बनाते हैं किसी भी desirable gene की, तो वो जो डिजायरेबल जीन है यानी कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम किसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे? सो वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और वेक्टर के एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं प्लाज्मिड, जो कि बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, वो एक वेक्टर की तरह काम करेगा. इसके अलावा आप बैक्टीरियोफेजेस को भी वेक्टर में कंसिडर कर सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है डी. क्वेश्चन नंबर टू, द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ. तो हमेशा याद रखिए, डीएनए को किसी भी डिजायरेबल सीक्वेंस से अगर हमें कट करना है तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज किया जाता है, और सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था वो हिंद सेकेंड था. आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर थ्री, एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग द सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज. जो सदर्न ब्लॉटिंग है या फिर जो सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है उसमें किस चीज का इस्तेमाल नहीं होता? इलेक्ट्रोफोरेसिस का, ब्लॉटिंग का, या फिर ऑटो रेडियोग्राफी एंड पीसीआर. तो अगर आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा था तो आपको उसके सीक्वेंसेस में ये पढ़ा होगा आपने कि उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस भी होता था, जिससे क्या करते हैं, हम डीएनए की फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे, उसमें ब्लॉटिंग भी करते हैं यानी कि हाइब्रिडाइजेशन. वीएनटीआर के साथ जो हमें दूसरा डीएनए मिला है उसको हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं. और ऑटो रेडियोग्राफी में क्या करेंगे, जो सीक्वेंसेस हाइब्रिड बना लेते हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे, राइट? तो ये सभी स्टेप्स सदर्न हाइब्रिडाइजेशन में आएंगे, लेकिन पीसीआर को इसके अंदर कंसिडर नहीं किया जाता. तो क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर होगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए. इनमें से कौन सा वेक्टर सिर्फ एक स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए को क्लोन कर सकता है, मतलब मल्टीपल कॉपीज बना सकता है? तो ऑप्शंस क्या है, बैक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यैक ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, प्लाज्मिड या कॉस्मिड. तो आपका आंसर होगा प्लाज्मिड, क्योंकि वो सिर्फ एक स्मॉल फ्रैगमेंट को ही मल्टीपल कॉपीज या फिर क्लोन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, कॉमनली यूज वैक्टर्स फॉर ह्यूमन जीनोम सिक्वेंसिंग आर. जो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले ह्यूमन जीनोम सिक्वेंसिंग में, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में जो यूज किए जाने वाले वेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की तो आप फटाफट से आंसर कर दोगे कि बैक और यैक, यानी कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये क्या होते हैं, एच जी पी में यूज किए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर सिक्स, द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया. ये कौन सा प्रोसेस है, इसको कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. इसमें क्या होता है, जो आपने एंजाइम पढ़ा होगा बीटा गैलेक्टोसिडेज, अगर हम उसके सीक्वेंसेस को ऑल्टर करेंगे तो क्या क्या चेंजेस आते हैं. नॉर्मली जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है वो क्या करेगा, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के कॉन्टेक्ट में आकर ब्लू कलर की कॉलोनीज को प्रोड्यूस करेगा. लेकिन अगर हम कोई फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर देते हैं तो क्या होगा, फिर अब उसके अंदर बीटा गैलेक्टोसिडेज की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, एज अ रिजल्ट कोई भी ब्लू कॉलोनीज नहीं बनेंगी, ठीक है? तो ऑप्शंस हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसिडेज, इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोसिडेज एंजाइम इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसिडेज. सो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग क्या होगा उसके अंदर, बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है? तो ऑप्शन डी हम पढ़ ही नहीं रहे. क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं,
DNA fragments generated by the restriction endonuclease in a chemical reaction, ठीक है, can be separated by. तो हमेशा याद रखिए DNA की fragments को separate करने के लिए gel electrophoresis technique का use किया जाता है, ठीक है. आगे बढ़ेंगे. Which of the following is not correctly matched for the organism and its cell wall degrading enzyme? तो इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, ठीक है. तो ऑप्शन है एल्गी मिथाइलेस, फंजाई काइटिनेस, बैक्टीरिया लाइसोजाइम, प्लांट सेल्स सेल्यूलेस. तो देखिए एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोस और पैक्टिन से बनी है, तो उसको डिग्रेड करने के लिए मिथाइलेस रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैक्टर्स इज यूज टू रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन इन जीन थेरेपी. तो आपको याद रखना है कि जीन थेरेपी में जो भी डिफेक्टिव जीन होता है उसको रिप्लेस करने के लिए एडिनोवायरस का यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए चिल्ड इथेनॉल इज एडेड टू. जब भी हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे तो जो चिल्ड इथेनॉल की एडिशन होती है वो किस में होगी. तो भैया डीएनए के प्रेसिपिटेट में होगी. तो आपका आंसर होगा ए, प्रेसिपिटेट डीएनए, ठीक है. क्वेश्चन 11. द गिवन फिगर इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर ई कोलाई वेक्टर PBR322. विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस करेक्टली आइडेंटिफाइज इट्स सर्टेन कॉम्पोनेंट्स. तो आपको क्या करना है, कॉम्पोनेंट्स को एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करना है. हेयर इज द डायग्राम. आप इस पिक्चर को आसानी से देख सकते हैं. अब आपको ऑप्शंस गिवन है और बताने हैं कि कौन से ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है. तो जरा देखिए ए में क्या गिवन है. हमें लिखा है ORI, ओरिजिनल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. क्या ओरिजिनल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिफाइन होती है ORI की, भाई क्या होगी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, ठीक है. उसके बाद ROP, रोप का मतलब दिया हुआ है, रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर. क्या ये बिल्कुल करेक्ट है? नो. क्या होता है रोप? एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि मतलब एक ऐसा PBR322 का पार्ट है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करवाता है, ठीक है, विच कोड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. आगे देखिए ऑप्शन सी दिया हुआ है, HIND3 एंड ECOR1 आर सेलेक्टेबल मार्कर्स. क्या ये दोनों सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं? नो, दीज आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. इसका मतलब है ऑप्शन डी करेक्ट होगा. एम्फिसिलिन, टेट्रोसाइक्लिन, दीज आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. बिल्कुल सही. और इन्हीं को सेलेक्टेबल मार्कर भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेंस और नॉन रिकॉम्बिनेंस में या फिर ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में डिफ्रेंशिएट करने में ये हमारी मदद करते हैं, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. PCR एंड रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि RFLP, ठीक है. दीज आर दी मेथड्स फॉर, किस चीज के लिए यूज करते हैं हम, कौन से प्रोसेस में यूज करते हैं इनको, PCR को, RFLP को. तो ऑप्शंस देखते हैं, स्टडी ऑफ एंजाइम्स या फिर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन या DNA सीक्वेंसिंग और जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग. सो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा. जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग में इसको यूज किया जाता है, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है डी. 13 क्या कहता है, अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड. जिसको हमने रेडियो एक्टिव किया है उसे क्या बोलेंगे, प्रॉब बोलते हैं, ठीक है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट, विच वन इज अ ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग DNA पॉलीमरेज यूज इन PCR. कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी, इट इज यूज टू लाइगेट इंट्रोड्यूस DNA इन रेसिपिएंट्स, इट सर्व्स एज अ सेलेक्टेबल मार्कर, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ वायरस या फिर इट रिमेन्स एक्टिव एट हाई टेम्परेचर. सो PCR के रिस्पेक्ट में ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, हाई टेम्परेचर पे भी एक्टिव रहता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल्स
coated with DNA to be bombarded with gene gun are made up of. जब भी हम जीन गन का यूज करते हैं तो पार्टिकल्स किससे बने हुए होंगे? सिल्वर और प्लैटिनम, प्लैटिनम और जिंक, सिलिकॉन और प्लैटिनम, या फिर गोल्ड और टंगस्टन. सो आपका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन. ठीक है, दिस इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बायोलिस्टिक्स और जीन गन इज सुटेबल फॉर. ये जो प्रोसेस होता है बायोलिस्टिक या जीन गन, किसके लिए सुटेबल है? डिसआर्म करने के लिए पैथोजन वेक्टर्स को, या प्लांट सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. सो द आंसर इज ऑप्शन बी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड. भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो एंटीबायोटिक्स है उनका यूज किस तरीके से करते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर की तरह, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 18, आपको एक डायग्राम, एक पिक्चर गिवन है. दिस इज PCR. ठीक है, तो चारों ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है, है ना? क्या सेलेक्ट करना है? इसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट द ऑप्शन गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन टुगेदर विद व्हाट इट रिप्रेजेंट्स. तो जरा पढ़ लेते हैं फटाफट से. बी क्या रिप्रेजेंट करता है? क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो पता चलेगा. देखो इसमें लिखा हुआ है डीनेचुरेशन एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 98 डिग्री सेल्सियस सेपरेटिंग द टू स्ट्रैंड्स. क्या बी ये ही रिप्रेजेंट करता है हमें? ए बी सी तीन सीक्वेंस दे रखे हैं ना. देखिए सबसे पहला जो सीक्वेंस होता है वो डीनेचुरेशन होगा, जो बी होता है वो एनीलिंग होगा, और जो सी होता है वो एक्सटेंशन होता है. तो उसका मतलब है बी गलत है. ठीक है, ए होता है डीनेचुरेशन, बिल्कुल सही. लेकिन क्या 50% होगा, या फिर सॉरी 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा? नो. आगे बढ़ते हैं. अब हमें क्या दिया हुआ है? थर्ड ऑप्शन सी रिप्रेजेंट करता है एक्सटेंशन को इन द प्रेजेंस ऑफ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज. यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि डी में भी क्या दिया हुआ है? ए एनीलिंग, जबकि ए क्या होता है? डीनेचुरेशन. तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा? सी ऑप्शन. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन डीएनए. देखिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो होते हैं जो कि अगर ओरिएंटेशन सेम रखा जाता है तो सेम ही रीड किए जाएंगे. जैसे कि ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. फर्स्ट है GAATTC. ये जो GAATTC है आपने 5' से 3' के डायरेक्शन में पढ़ा, सो इट वॉज GAATTC. क्लियर है? अब दूसरे स्ट्रैंड को भी 5' से 3' के डायरेक्शन में पढ़ोगे, GAATTC. इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है. ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका आंसर क्या होगा? ए. अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की. सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ BT कॉटन आर. जो BT कॉटन है उसकी आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है ना. आपको सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है. ऑप्शंस हैं लॉन्ग फाइबर एंड रेजिस्टेंस टू एफिड्स, मीडियम यील्ड लॉन्ग फाइबर एंड रेजिस्टेंस टू बीटल पेस्ट, हाई यील्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल्स विच किल डायप्टेरियन पेस्ट, हाई यील्ड एंड रेजिस्टेंस टू बॉलवॉर्म. तो जब भी हम कॉटन बॉलवॉर्म्स के बारे में बात करेंगे या फिर कॉटन के ऐसे प्लांट के बारे में बात करते हैं जो कि ट्रांसजेनिक है, यानी कि जिसके अंदर हमने कुछ सीक्वेंस को मॉडिफाई किया हुआ है, तो कॉटन का मतलब क्या है? बॉलवॉर्म. क्योंकि जो कॉटन की बॉल्स होती हैं अगर वो डैमेज हो जाएंगी तो पूरा प्लांट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा. इसीलिए हम क्या करेंगे? रेजिस्टेंस दिलवाएंगे प्लांट को बॉलवॉर्म से. तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. An improved variety of transgenic basmati rice. अब options क्या हैं? Does not require chemical fertilizers and growth hormones. फिर gives high yield and is rich in vitamin A. Absolutely right. जो option B है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो transgenic rice है जैसे कि golden rice वो vitamin A में enriched होता है. बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके अंदर vitamin A present होगा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ
being commercially produced by biotechnological procedures. Nicotine, morphine, quinine या insulin. तो याद रखिए insulin is the correct answer. Eli Lilly company ने भी इसको बनाया था recombinant DNA technology का use करके. ठीक है. Question number 23. What is true about BT toxin? तो BT toxin के बारे में कौन सी statement बिल्कुल सही है? BT protein exists as active toxin in the bacillus. बिल्कुल गलत है क्योंकि वो प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में रहेगा यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में. द एक्टिवेटेड टॉक्सिन एंटर्स द ओवरीज ऑफ द पेस्ट. नो, गट में एंट्री लेता है तो ये भी गलत हो गया. द कंसर्न बैसिलस हैज एंटी टॉक्सिन. जो बैसिलस है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी? एंटी टॉक्सिन. जी नहीं. द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्टेड इंटू एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट. एब्सोल्युटली राइट. एंड द रीजन इज इंसेक्ट के गट में एल्कलाइन पीएच होती है और ये जो प्रोटॉक्सिन है वो एल्कलाइन पीएच में एक्टिव हो जाता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 24. ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर द वंस. जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स है वो कौन से हैं? जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इन अ सेल एंड रीजनरेटिंग अ प्लांट फ्रॉम दैट सेल. एब्सोल्यूटली राइट. ऑप्शन वन इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. द बैक्टीरियम बैसिलस थुरिंजेनेसिस इज वाइडली यूज्ड इन कंटेम्पररी बायोलॉजी एस. जो बैक्टीरिया है बीटी यानी कि बैसिलस थुरिंजेनेसिस उसको किस तरीके से यूज किया जाता है? इंसेक्टिसाइड. जी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है क्योंकि वो किल कर देता है इंसेक्ट्स को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज एंटी सेंस टेक्नोलॉजी? एंटी सेंस टेक्नोलॉजी क्या होती है? ऑप्शंस पढ़ेंगे. व्हेन अ पीस ऑफ आरएनए दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इन सीक्वेंस इज यूज्ड टू स्टॉप एक्सप्रेशन ऑफ अ स्पेसिफिक जीन. बिल्कुल सही बात है. एंटी सेंस टेक्नोलॉजी का मतलब है कि एक ऐसे आरएनए के पीस को यूज करना जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के. फिर क्या होगा भाई? जब कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा और जहां पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है वहां पर साइलेंसिंग हो जाती है. ठीक है. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है. क्राई वन एंडोटॉक्सिन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैसिलस थुरिंजेनेसिस आर इफेक्टिव अगेंस्ट. ये जो क्राई वन जीन्स होते हैं इन्होंने जो टॉक्सिन प्रोड्यूस किया है वो किसके अगेंस्ट अच्छे से काम करेगा? नेमाटोड्स, बॉलवर्म, मॉस्किटो, फ्लाइज. सो आंसर इज बॉलवर्म्स. तो आपको याद रखना है जो क्राइवन एंडोटॉक्सिन होता है वो बॉलवर्म के अगेंस्ट काम करता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप विच में हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस. देखिए आंखों से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं वो जनरली वाइटामिन ए की कमी की वजह से होती हैं और जो वाइटामिन ए एनरिच्ड फूड होते हैं जैसे कि राइस हो गया जो कि ट्रांसजेनिक राइस है, कैरेट हो गया, स्पिनच हो गया. तो यहाँ पर क्योंकि ट्रांसजेनिक लिखा हुआ है तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है यानी कि गोल्डन राइस. और गोल्डन राइस या फिर जनरली आप बात करो ट्रांसजेनिक राइस के बारे में. ठीक है. सो दीज आर रिच या फिर एनरिच्ड विद विटामिन ए. ठीक है भाई. अगला क्वेश्चन क्या है आपसे पूछा है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन या यूज ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीएम क्रॉप्स. जीएम क्रॉप्स मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. ठीक है. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनकरेज इको फ्रेंडली हर्बिसाइड्स, टू रिड्यूस हर्बिसाइड अक्यूमुलेशन इन फूड आर्टिकल्स फॉर हेल्थ सेफ्टी, या फिर टू एलिमिनेट वीड्स फ्रॉम द फील्ड without the use of manual labor, या फिर eliminate weeds from the field without the use of herbicide. So basically आपका जो option C है वो बिल्कुल सही है. बिना manual labor के जो weeds होते हैं unwanted plant होते हैं उनको eliminate करना. ठीक है. Next question. Human insulin is being commercially produced from a transgenic species of. तो याद रखिए जो इंसुलिन को प्रोड्यूस किया गया था बाय एली लिली कंपनी वो एस्ट्रेरिया कोलाई यानी कि
ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ह्यूमन इंसुलिन के सीक्वेंस को इंट्रोड्यूस करके ही बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर तो सी हो गया भाई, एस्टेरिया कोलाई। अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज सक्सेसफुली इन बायो रेमेडिएशन ऑफ ऑयल स्पिल्स इज अ स्पीशीज ऑफ। तो भाई कौन सी स्पीशीज को बायो रेमेडिएशन में यूज किया जाता है सक्सेसफुली? तो ऑप्शंस है ट्राइकोडामा, सेंथोमोनास, बेसिलस या सुडोमोनास। सो ऑप्शन डी यानी कि सुडोमोनास इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे। गोल्डन राइस इज अ प्रोमिसिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप, व्हेन रिलीज्ड फॉर कल्टीवेशन इट विल हेल्प इन। तो ट्रांसजेनिक राइस यानी कि गोल्डन राइस, उसमें ऐसी क्या चीज प्रेजेंट है जो कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगी? तो मैंने अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 28 में कि वो विटामिन ए की डिफिशियंसी को पूरा करेगी। ठीक है, तो देखिए जरा ऑप्शन बी मुझे नजर आ रहा है, एलिवेशन ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी। ठीक है, तो अगर गोल्डन राइस खाएंगे तो विटामिन ए की कमी नहीं रहेगी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बैसिलस थुरिंजियनसिस स्ट्रेन्स हैव बीन यूज्ड फॉर डिजाइनिंग नोवल। जो बीटी के स्ट्रेन्स हैं वो किस चीज को डिजाइन करने में यूज किए जाते हैं? बायो फर्टिलाइजर की तरह, बायो मेटलर्जी टेक्निक्स में, बायो मिनरलाइजेशन या फिर बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स। तो बीटी को यूज किया जाता है इंसेक्ट्स को किल करने के लिए। सो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 34। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन इन बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज द ह्यूमन क्रोमोसोम कैन रेप्लिकेट इन बैक्टीरियल सेल, द मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन इज आइडेंटिकल इन ह्यूमंस एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल कैन कैरी आउट द आरएनए स्प्लाइसिंग रिएक्शन या फिर द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। सो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, यही एक रीजन है कि हम बैक्टीरिया के अंदर ह्यूमन के सीक्वेंसेस को इंट्रोड्यूस करके अपने डिजायरेबल जीन्स या सीक्वेंस को बना सकते हैं, राइट। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। गोल्डन राइस इज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप ऑफ फ्यूचर विद द फॉलोइंग इम्प्रूव्ड ट्रेट। तो गोल्डन राइस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं? इंसेक्ट रेजिस्टेंस है, हाई लाइसिन होता है यानी कि अमीनो एसिड का कंटेंट, हाई प्रोटीन कंटेंट होगा या फिर हाई विटामिन ए कंटेंट। तो बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है तो जरूर आएगा या इंपॉर्टेंट है तो आप इसको जरूर पढ़ें, विटामिन ए की मात्रा काफी ज्यादा है। नेक्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रेफर्स टू। भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या मतलब है? मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ डीएनए सैंपल्स, एनालिसिस ऑफ डीएनए सैंपल्स यूजिंग इम्प्रिंटिंग डिवाइस, टेक्निक्स यूज फॉर मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ डिफरेंट स्पेसिमेन ऑफ डीएनए, टेक्निक्स यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। सो बेसिकली ऑप्शन ए इज द एप्रोप्रिएट वन। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी के डीएनए प्रोफाइल की या उसके सैंपल के बारे में स्टडी या एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द टीआई प्लाज्मिड is often used for making transgenic plants. The plasmid is not found in. तो question ये है कि ये जो plasmid है किसमें नहीं मिलेगा, जो TI plasmid है, ठीक है, tumor inducing plasmid, right? तो इससे हम क्या use करते हैं इसका? Transgenic, sorry, it is found in. पूछा है किसमें मिलता है? तो ये azotobacter में मिलेगा, rhizobium of leguminous plants, agrobacterium या फिर यीस्ट एज अ 2 mm प्लाज्मिड। तो आपको याद रखना है कि ये जो TI प्लाज्मिड है यानी कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ये एग्रोबैक्टीरियम में प्रेजेंट होता है एंड एग्रोबैक्टीरियम इज द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहा जाता है और ये डायकॉट प्लांट्स पे अटैक करेगा, ये स्पेसिफिकली आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एलिजा is used to detect viruses where the key reagent is. जो ELISA test है वो antigen antibodies के ऊपर based होता है, AIDS को detect करने के लिए इसका use किया जाता है, तो इसमें कौन सा reagent use होगा? The answer is
alkaline phosphatase. So option A is correct. आगे देखिए, next question क्या है? The term humulin is used for. ये जो term है humulin, वो किसके लिए use की जाती है? Option C, यानी कि human insulin के लिए use की जाती है. ठीक है? Next question. The first transgenic crop was. सबसे पहले बनाई गई जो transgenic crop थी, यानी कि जिसके अंदर हमने डीएनए के सीक्वेंसेस को मॉडिफाई किया था, वो कौन सी क्रॉप थी? टोबैको. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज विच हैव फॉरेन आरएनए इन इट्स सेल्स, फॉरेन डीएनए इन सम ऑफ इट्स सेल्स, फॉरेन डीएनए इन ऑल इट्स सेल्स बोथ ए एंड बी. सो हमेशा याद रखिए, जब सभी सेल्स के अंदर फॉरेन डीएनए प्रेजेंट होगा किसी भी एक एनिमल के अंदर, तो उसी एनिमल को ट्रांसजेनिक एनिमल कहा जाता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. इसका करेक्ट आंसर है फॉरेन डीएनए इन ऑल इट्स सेल्स. ठीक है, सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी. तो पहले आप वो सभी वीडियोस देखिए जो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, उसके बाद ये क्वेश्चंस ट्राई कीजिए. आई होप आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर आते हैं. ठीक है, and do not forget to like, share and subscribe. All the best. Thank you.